ये कब पढ़ेगा? अच्छा पी एक्स इज इक्वल टू, हाँ पी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, हाँ ठीक है, और एक्स का वैल्यू जीरो और वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। चलो देखो तो आप दूसरा फिटिंग ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, उसके बाद टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद मोड ऑफ जो टेस्ट होगा वो भी थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लोगे। बोलो ये सब सपने मत देखो, ठीक है, हम थोड़ा रियलिटी में बात करो, वो सब सपना मत देखो। क्या अभी मैम फिटिंग ऑफ, चलो फिटिंग ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, यस क्वेश्चन 20 का क्या है, नहीं है मुझे नहीं पता, आप साइट पर देखो, लिखो, ठीक है, लिखिए फिटिंग ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। आज साफ सुथरा बोल रहे, फिटिंग ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम शॉर्ट में मत लिखना। एंड ऑनलाइन सब लोग कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करो, टेस्ट नहीं ले रहे हैं सब, मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? नींद आ रहा, हाँ नींद आ रहा है उसको, उसका अटेंडेंस सबसे पहले हम कट कर रहे हैं। यामिनी कैमरा ऑन करिए, रुपेश चलो ये कैमरा, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। चलो लिखो फिटिंग ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का फिटिंग करना है, काम वही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, और फंक्शन डिफरेंस सिर्फ इतना है जो आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे, उसके बेसिस पे आंसर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो लिखो जरा, डेटा लिखिए एक्स का, हमने भी लगा आपके साथ बैठने का तरीका क्या ढूंढ रहे थे। चलो लिखो वैल्यूज एक्स का, लिखियो 0 to 8, 0 to 4, फर्स्ट एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज, दिस इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्स है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का डेटा है, और ये है नंबर ऑफ डेज, सो और नंबर ऑफ डेज है तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सो ओआई से डिनोट करते हैं, दैट इज 1, 18, 7, 3, 1, ठीक है। अब इसमें से आपको ईआई निकालना है तो लिखो यहाँ पे इन द फॉलोइंग टेबल, या फिर इसके बाद लिख रहे हो तो लिखना इन द अबव टेबल, द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज इन अ 50-day पीरियड, in a 50-day period during which automobile accidents occurred in a city, automobile accidents occurred in a city, fit Poisson distribution to the following data, fit Poisson distribution in the following data, fit Poisson distribution, Poisson distribution
पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, किसी को आइडिया है? यहाँ पे एन तो है नहीं, है निकाला नहीं जा सकता, एन टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो नहीं निकाल सकते आप। और यहाँ पे अब उसको आपको फिर से वही कन्वेंशनल मेथड, क्योंकि आपके पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फॉर्मूला याद हो तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन एफ प्लस समेशन एन या फिर समेशन एफ जो लिखना है, तो इसके हिसाब से मीन मिलेगा, क्योंकि डेटा इस तरह का है, मीन निकालने का और कोई तरीका नहीं है। पहले हमारे पास दिया होता था मीन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीन निकालना जरूरी है, बिकॉज आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो पी एक्स मिलने वाली है, दैट इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल एंड दिस एक्स दिस लैम्डा इज द मीन। अब मीन निकालने का डेटा, जो डेटा है उससे मीन निकालना पड़ेगा, तो डेटा से मीन निकालने का यही तरीका है आपके पास। यहां से आप ये जो मीन निकालेंगे वो मीन का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक्स का वैल्यूज डालेंगे, तो आपको पी जीरो पी वन पी टू इस तरह से वैल्यूज मिलेगा, उसमें टोटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। समझ आ गया? अब एन जो है वो क्या है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, दैट इज 50। समझ आ गया क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन का किस तरह से इस्तेमाल करना है? एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो मीन निकालना सबको आता है, इनिशियल सबसे बेसिक क्लास चले जाओ, मीन निकालना आता है, वो मीन का वैल्यू ही ये लैम्डा होता है जिसको आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये जीरो वैल्यूज निकाल के इनसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, मिल जाएगा। चलो बना के देखो जल्दी, ट्राई करते हैं, मीन निकालो, ट्राई नहीं करना है, रिजल्ट चाहिए, सिर्फ ट्रायल पैक पे काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, टेस्ट देने के कंडीशन में होते हो फिर भी यही सिचुएशन, छोड़ो हटा दो, होगा मीन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स, समेशन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एफ एक्स एफ आई एक्स आई, इसलिए कैलकुलेशन करूँ, बताओ जरा जल्दी से, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं, अभिजीत कैमरा ऑन करिए, श्रुति बार बार हम बोलने वाले नहीं है, ठीक है, रिमूव कर देंगे बस, ये काम मुझे अच्छे से आता है। रोल नंबर 51, अभिजीत और अहमद अनवर कौन है, इन दोनों का नहीं, यस पता है मुझे, डांट पड़ता है इसलिए फेवरेट। 3/2 का सिंप्लीफिकेशन कर लू, जो आ रहा है डेसिमल में वैल्यूज, 1.5 लैम्डा, 1.5 आ रहा है लैम्डा, तो यहाँ पे बता रहा है 0.9 है, ठीक है, क्योंकि टोटल 50 रे दिया हुआ है इसलिए। डिविजन में 50 जाएगा, बिकॉज एन 50 है ना, उसमें दिया हुआ है एन 50 डे पीरियड लिखा है ना,
तो 50 दिन के रिकॉर्ड में इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे भी दिन हैं जिसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल 50 डेज का ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो जीरो एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ ऐसा दिन ये आया है, एक एक्सीडेंट हुआ ऐसा है, दो एक्सीडेंट हुआ ऐसा है, इससे ज्यादा भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम टोटल 50 दिन का ऑब्जर्वेशन लिए है, इतना नोट किए बस इतना है, बट ऑब्जर्वेशन 50 डेज का लिया हुआ, ठीक है। तो टोटल 50 डे पीरियड में इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू इधर आ जाएगा, समझ आया। कुछ ऐसे दिन भी है जिसमें से ज्यादा भी एक्सीडेंट हुआ हो, आप 4 तक का ही ले रहे हैं, ये बात हो रही है, और जीरो एक्सीडेंट हुआ है ऐसा भी दिन मिला है। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या करोगे उसके हिसाब से फायदा हो जाता है कैलकुलेटर ना। अहमद अनवर कैमरा ऑन करो, अमान जो भी है, अमान अनवर नहीं है, ओके। तुम्हारा नाम क्या है, कंप्लीट बता दो जरा। अहमद अमार मैम। अच्छा अमार, ओके। सॉल्यूशन करो जल्दी से। यस मैम, 2 मिनट। एंड कैमरा ऑन रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली एकदम। श्रेया यू आर नॉट विजिबल, एंड 37 रोल नंबर। फैन दिख रहा है तुम्हारा, फैन देखने के लिए कैमरा ऑन नहीं कराया ना मैंने, सामने रखिए। कुछ ऐसा जो बताने की जरूरत है इसमें, नहीं है ना, श्योर ना। रजान फोकस करो, कितना है डेसिमल में, कौन सा ईट पावर समथिंग डेसिमल के बाद चार लो ना, चार लो, 0 0 आ रहा है, नेग्लिजिबल वैल्यू आ रहा है। करते हैं, हाँ ठीक है, चार लो ना, चार डिजिट तक जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी तो वो नेग्लिजिबल होता चला जाएगा जितना आप कम लेंगे, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी के लिए जरूरत है। चलो करो जल्दी, इधर उधर जाए मैं देखने से क्या फायदा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसको सॉल्व करो। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है आपने क्लास मैम? सोए हुए थे। अच्छा है, कल होली चल क्या है। कैमरा ऑन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। आदर्श मुझे चाहिए 10 मिनट में तुम्हारा आंसर, अदरवाइज एब्सेंट कर देंगे फिर। ओके मैम। मैम निकालना क्या है इसमें? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैमरा ऑन करिए आदर्श। कॉपी लाने गया मैम।
मनीष कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या किया है तुमने बताओ जरा। क्या मैम कहाँ तक पहुंचे हो तुम? अभी तो मैम कुछ नहीं उतार रहा। कॉपी लेके आओ। क्या मैम टेबल थैंक्स भाई, कितना चीज कैलकुलेट कर रहे ले क्यों? मैम हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो मैम? 2.475 है, उसको कंसिडर कर सकते हैं क्या? 2.475 पहले लास्ट में करना ना, वो एक अप्रोक्सीमेशन लास्ट में करना मैम। एक का 49 आ रहा है 50 के प्लेस पे, एक का डिफरेंट है। हाँ तो ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो जो जो भी हायर है उसको लो, जो भी हायर होगा, जो भी हाईएस्ट है सारे डेसिमल प्लेसेस में, उसमें हाईएस्ट जो है वो लो। यहाँ लिखा हुआ था देखो जरा, करो रीड करो, चीरी में यही होता है। मैं मांग गया एक सेकंड पे इधर, मैंने क्या कहा यहाँ से लिखो ना, यहाँ लिखा हुआ था ना। नहीं आ रहा है तो फिर कॉपी पलटो, देखो निकाल के लिखो, दूसरा कॉपी लेके सब दाएं बाएं देख के लिखना बहुत। मैम यहाँ तक अपने से बनाया था। ठीक है, अच्छी बात है ना, आगे भी आप खुद से बनाओ ना। अरे तो हम बिग बना ही लेते हैं ना, बता रहे हैं बना लिया। इसके आगे तेरा टाइम में, इसके आगे बहुत लंबा है, इसके आगे तो मेरे टाइम लगा था। ये वाला फोन हो गया, करो अब खूब से रहो। ये तीन हो गए हैं, या तो ये फंक्शन निकला है ना, प्रोबेबिलिटी निकला है, इसको फंक्शन कैसे लिखती है तुम? दिस इज प्रोबेबिलिटी ना शिवराज, प्रोबेबिलिटी से डिनोट करिएगा ना, P0P1 डिनोट करिएगा। कॉपी पेस्ट में इतना भी नहीं होना चाहिए, अच्छा यहाँ लिखा है इसलिए। मैम अपने से बनाया मैम फॉर्मूला बस। हाँ तो यहाँ पे कभी मैंने बताया है कि F वर्ड लिखना, कभी बताया है F लिखने के लिए? बस गया मैम, प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए कहा है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हाँ तो करो ना, वही करेंगे, लो पकड़ो ये वाला ना। हाँ और ये जो रिजल्ट तुम्हारा आया है वो लैम्डा है, ये ना 0.9। अब उसका रिप्लेस करो फिर, 0.9 x का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाएगा जब p जीरो निकाल रहे हो। तो यहाँ आपका नोटेशन क्या होगा, p जीरो इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0.9 है इंटू 0.9 टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, दिस इज p जीरो। p वन करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0.9 इंटू 0.9 to the power 1 divided by 1 factorial. Yes, ma'am. जो इस तरीके से नहीं लिखा है तुम कॉपी पेस्ट जहां से भी कर रहे हो। हम ठीक है बता रहे। नेक्स्ट P1 के बाद P2 निकालिएगा, सो e to the power minus 0.9 into 0.9 to the power 2
x का वैल्यू ये आता है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये वैल्यू तुम एक बार जो निकालोगे वही रिपीट होगा. वो मैम p1 p2 ऐसे. हाँ सिमिलरली p3 निकालने वाले हो और p4 निकालने वाले हो. क्यों? क्योंकि 4 डिजिट तक वहां जा रहा है. 1 2 3 4. अच्छा ठीक है ये वैल्यूज निकालिएगा. अब इसके बाद फैक्टोरियल में क्या होता है. 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1. 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 हो गया. इसमें भूल ना गया है वो वाला MCX का. अच्छा P4 तक निकालना है मैम. So, P4 निकल गया. सारा वैल्यूज आ जाएगा. जो रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी में उसको जब n से मल्टीप्लाई कर दोगे इन सारे वैल्यूज को तो फिर वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दे देगा. ठीक है समझ आया. बस इतना ही करना है. और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएगा उसका एक कॉलम बना लीजिएगा EI. पूरा लिस्ट उसको लिख दीजिए. ठीक है अब आंसर बता सकते हो. बना लिया है सबने इसका. लिखे यस मैम. चलो अच्छी बात. और अगर प्रोसेस और टेबल के थ्रू जाएं तो पहला प्रोसेस आपका यही होगा. इस केस में आपको ये निकालना पड़ेगा. तो पहले निकालोगे ये टर्म 0 हो जाएगा. 18 × 1 = 18 हो जाएगा. 7 × 2 = 14 हो जाएगा. 3 × 3 = 9 हो जाएगा. और ये 4 हो जाएगा. टोटल सम करोगे तो ये 45 आ जाता है ना. तो x बार निकल गया. x बार इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लैम्डा. जो भी नोटेशन डालो दिस इज इक्वल टू 45/50. 50 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 50 डेज का रिकॉर्ड. सो दिस इज 0.9. अब इसके बाद EI जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी सारा तुम निकाल लिए होते हो उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करना. तो पहले में प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? P0 हो गया मैम. P0 20.33. अच्छा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू P नहीं आया है. इनसे मल्टीप्लाई करने पे आया है. 2.33 आया है. चलो ठीक है नेक्स्ट. 18.30. ठीक है नेक्स्ट. 8.24. रिया तुम्हारा भी यही आया है? यस मैम. नेक्स्ट क्या आया है? 2.47. नेक्स्ट 0.56. अब ये 0.56 है तो पहले तो ये देखो कि सबसे पहले तो आप इसको 1 करो क्योंकि हाईएस्ट डेसिमल के बाद वैल्यू यही है. अब उसके बाद आप ये काउंट कर लो कि टोटल सम कितना आ रहा है. टोटल सम 50 आना चाहिए. ये 50 आना चाहिए. ये कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है किसी भी सिचुएशन में. तो ये 50 होना चाहिए. अगर ये 50 होना चाहिए और इस हिसाब से देखा तो 20, 48, 8, 2 ऐड करो क्या आ रहा है. सबको ऐड करो 48. ये तो पहली बार पहले भी बता चुके हैं. डेसिमल वाले के बाद वाले पोर्शन को नहीं ऐड करना है. सिर्फ होल नंबर ऐड करो. तो इसमें सारा कुछ देख लिया. तो जब आप यहाँ तक ये देखते हैं तो ऐड कर रहे हैं तो 48 आ रहा है. जब 48 आ रहा है तो 50 में से कितना कम हुआ? दो कम है. तो सबसे हाईएस्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट मींस डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है, उसको वैल्यूज रखो जिसका हाईएस्ट है. हाईएस्ट इसका है तो इसको 1 से रिप्लेस कर दिए. सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? 47. ये है तो इसको 3 से रिप्लेस कर दो. ये 8 हो जाएगा क्योंकि आप इसको कम करेंगे क्योंकि मैक्सिमम टोटल 50 होना चाहिए. तो एक यही इंक्रीज हो गया, दूसरा यहाँ इंक्रीज हो गया तो और कहीं तो बचेगा नहीं. तो फिर आपके पास ये 18 हो जाता है और ये 20 हो जाएगा. अब इसको ऐड करो इस वाले पोर्शन को. 3, 1, 8, 18 and 2.
50 हो जा रहा है, हो गया। ये करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सब डेसिमल वाले को एज इट इज लिख दो, ऐड कर लो होल नंबर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो नंबर ऐड कर लो, यहाँ जीरो था तो जीरो ऐड कर लो, जो भी है होल नंबर वाले पार्ट को ऐड करो, उसको ऐड करोगे तो कम कितना हो रहा है वो देखो। ये जो दो फ्रीक्वेंसी बच गई है उसको आपको एडजस्ट करना है कहीं, और एडजस्ट कहाँ होगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा है, उसके बाद इसमें ज्यादा है, तो जहां भी ज्यादा पार्ट होगा फ्रैक्शनल उसमें एडजस्ट होगा, जिसमें कम है उसको उसके लोअर वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, लोअर वैल्यू में अप्रोक्सीमेट कर देंगे, अगर हायर वैल्यू है तो हायर में अप्रोक्सीमेट करेंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। तुम हर बार बोलते हो हाँ, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है सर, क्या पता मैम, तो ना उसको पहले, यस मैम, ठीक है, यही करना है मैम, 50 से इनटू भी करेंगे, 50 से इनटू करने के बाद ही आया है शंकर, ठीक है, 50 से इनटू करने के बाद आया है, प्रोबेबिलिटी जो आई थी तुम्हारी, उस प्रोबेबिलिटी को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। 50 से इनटू क्यों कर रहे हैं मैम? 50 से इनटू क्योंकि टोटल 50 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया हुआ है देखो 50 है टोटल, 50 दिन का ऑब्जर्वेशन लिया गया है तो इस तरह से आया है, तो टोटल 50 डेज में एक, मान लो 50 दिन का हम अगर लेते हैं सपोज रिकॉर्ड, ठीक है, एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड लेते हैं, तो जो ऑब्जर्व किया गया है वो एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड ये है, अगर एवरेज एक्सीडेंट 0.9 होता है, इसका मतलब ये है कि रोज एक एक्सीडेंट होता है ऑन एन एवरेज, बोल सकते हैं संकेत, बोल सकते हैं, तो ये 50 डेज का रिकॉर्ड है तो ये एक्सपेक्टेड कितना है, तो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड को हम लोग फिर जो वैल्यूज निकालते हैं वही देता है ना फिटिंग, ऑब्जर्व डेटा हमारे पास दिया होता है और जो हम निकालते हैं वो क्या है, फिटिंग वही है ना, yes. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहले भी हम बाइनोमियल भी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे P0 P1 जो भी, उसको n से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की, और टोटल इतने दिन में इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मिलेगा, है ना, यस मैम, इसलिए n से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर बाइनोमियल देखा तो मान लो सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट तो पास करेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज हाफ, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है, बस यही है, ठीक है, और कोई डाउट किसी को भी, रोल नंबर 37, 6 और 51 इन तीनों को रिमूव करने के सिवा अच्छा ऑप्शन कुछ मुझे दिख नहीं रहा, कर दीजिए मैम, कर दीजिए, द नेक्स्ट वन इज 23, ठीक है, चलो समझ आ गया ना ये, चलो एक डेटा और लिखो तो जरा, वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होता है, तो फुल डे होता ही नहीं है, 7 दिन होता है मैम, 7 डेज, कल बहुत पढ़ेंगे, 7 डेज और 7 नाइट, चलो ठीक है लिखो, वीक का डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है,
मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैम मतलब ऐसा है क्या अगर वैल्यू शुरू में मतलब एस्टिमेट नहीं करेंगे हम एग्जैक्ट नहीं माने कितना आ रहा है तो हम लास्ट में कर सकते तो गलत नहीं कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में एडजस्ट करके करोगी तो फिर उसमें गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा क्योंकि शुरू में अगर आप एप्रोक्सीमेट कर देते हैं तो कहाँ पे करना है एडजस्ट पता नहीं चलेगा सारे वैल्यू को करने के बाद ही एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करो ठीक है सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद ही एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करो कर सकते हैं इसी के लिए तो बताएंगे सारा डेटा पहले लिख लो लास्ट में अप्रोक्सीमेट करो ना जिससे हाईएस्ट है उसको करो फिर उसके बाद करो नहीं यही तरीका एक्चुअल में यही है ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप करते जैसे पहले करते थे वैसे कर लीजिए लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलत होने का चांस हो जाएगा सबका आंसर वैरी करेगा तुम 33 को ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लो कोई दूसरा को मानेगा सबका वैल्यू अलग आ जाएगा ना तो आंसर डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए एक्सपेक्टेड तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए ऑब्जर्व हर का डिफरेंट होगा लेकिन एक्सपेक्टेड सबका एक ही जैसा है क्या आंसर है बता रहे क्या आंसर है ठीक है सो अब इन डेज में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काउंट करो 7 9 4 8 9 11 ठीक है दीज आर द एक्स ऑब्जर्व रिजल्ट जैसे अभी नहीं कर रहे वैसे ही नहीं कर रहा नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा क्या नंबर ऑफ डेज नहीं किया हुआ है ये टोटल सम और वो वही रहेगा अब यहाँ वो मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकती हो मैम एक बार आप जो बताएं कि वो टोटल को करते है ना वही क्या समझ आया डिफरेंस समझ में आया क्योंकि मैंने अभी जो डेटा था उसमें क्या था एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसा था ठीक है यहाँ पे एक्स वाई जेड ये एक्स 7 × संडे करोगी नहीं करोगी ना तो ये नंबर ऑफ डेज है इसमें जो एक्सीडेंट्स हुआ है वो रिकॉर्ड किया गया है ठीक है अब इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिस इज एक्सपेक्टेड आपको निकालना है कैसे निकालिएगा बताइए संडे को सात रन सात घंटा पड़ेगा संडे को मंडे को 9 को 4 चलो बताओ क्या करेंगे इसमें और कोई है जिसके पास इसका बेटर सॉल्यूशन है हैंड रेज करो तो ऑनलाइन में भी जिन लोगों के पास है इसका सॉल्यूशन कोई बता सकता है थोड़ा सा भी पता है करो वही इसका जवाब ही वही है मैम बोलो क्या मैम कैसे सॉल्व करेंगे मैम पेन से कॉपी करके देखो ठीक है टाइम लगेगा हाउ मच अभी तो कंप्लीट हो गया टाइम खत्म हो गया कल टाइम तो कभी खत्म नहीं होता टाइम इज एंडलेस योगेश सिंपल बात करो पहले इधर क्या बात कर रहे हो ना तो बात कर लो उसके बाद बात करना उधर बोलो क्या सॉल्यूशन का मेथड पता है बताओ क्या होगा पता है तो करोगे ना करके देखोगे तो पता कैसे चल जाएगा ठीक है करी और किसी को है आइडिया एक सेकेंड रिया बोल एक सेकेंड हाँ रिया बोलिए करो अनम्यूट हो जाएगा
अनम्यूट हाँ एक सेकंड फिर से करो फिर से करो बोलो मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इंडिविजिबल सीरीज के टाइम जैसे करते थे कि टोटल ओआई का सम करके डिवाइडेड बाय 7 क्योंकि 7 दिन होते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिंपल है कि 7 डेज अगर वीक में है तो हर दिन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7 तो टोटल टोटल आपका ऑब्जर्व पता है 7 हाँ तो एन सी जीरो यहाँ नहीं होगा बिकॉज बाइनोमियल तो नहीं है ठीक है ठीक है एन सी जीरो तो बाइनोमियल में आता था ना यहाँ पे क्वेश्चन है ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल ठीक है इसके थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी तुम्हें गिवन है और प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7 उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा सो पी जीरो इज 1/7 ये दिया हुआ है ठीक है इसको एन से मल्टीप्लाई कर लो यही एक्सपेक्टेड है समझ आ रहा है इतना तुम्हें करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब कैलकुलेट करने के बाद आप P0, P1 ये सब निकाल देते ना बट यहाँ प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है सो जस्ट एड दिस अप एंड डिवाइड बाय 7 जो भी रिजल्ट आएगा सबका सेम इसमें सबका आंसर अप्रोक्स सेम आएगा यस मैम यही हम बोलना चाह रहे थे आप क्या बोलना चाह रहे थे वो मुझसे आपसे बेहतर मुझे पता है मैम टोटल 47 होगा 42 होगा 2 0 नहीं है यही बात है इसमें सबका आंसर सेम आएगा जैसे 6.714 उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका आ रहा है कर देगा ना वो वैल्यू कम कर देना बाकी सारा 7/7 हो जाएगा सारा वैल्यू अप्रॉक्स 7 हो जाएगा टोटल सम कितना आ रहा है 47 आ रहा है ना सबका इक्वल वैल्यू दो सबका अगर 7 है तो सबका 7 वैल्यू डाल दो सबका 6 वैल्यू डाल दो कुछ ऐसा वैल्यू डालो ठीक है सबका एग्जैक्ट और इक्वल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ब्यूटी यही है कि इसका इसमें सबका आंसर सेम आएगा लेकिन वहां पे जो मेथड था वो अलग था यहाँ पे अलग होगा ठीक है तुम अपना दिखाओ ना सॉल्यूशन क्या किया किसका वही ठीक है ना अब किसी को इसमें दिक्कत नहीं है मैम इसका देखिए ना एफ आई एक्स आई निकाल सकता है तुम अपना बोलने का थोड़ा आदत कम कर लो तुम्हारे लिए फायदेमंद है ठीक है टोटल सम थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना ठीक है जिसका कम आ रहा है उसको 3 कर लो इस वाले को कम कर लो वैसे सबका आंसर 7/7 भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है डाल सकते हैं वो करना क्योंकि कैलकुलेशन करना अगर फर्दर कैलकुलेशन करना है ठीक है अगर फर्दर कैलकुलेशन करना है तो जो वैल्यू डेसिमल में आ रहा है वो वैसे ही रहेगा ठीक है लेकिन अगर फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है तो फिर आप उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ठीक है फर्दर कैलकुलेशन अगर करोगे तो वो वैल्यू जो आ रहा है वही रहेगा वही लिखिएगा यहाँ पे ठीक है वो लिख के अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वो दिखा दीजिए जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम कराया जैसे क्या आ रहा है 6.7142 714 मान लो अप्रोक्सीमेट 7 कर लो इसको
सेवन ऑब्जर्व भी आया है, सेवन एक्सपेक्टेड भी आया है। यहाँ पे आपका वही चीज आएगा क्योंकि इसमें तो आंसर बदलने वाला है नहीं, सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ जो डेज है वो भी रिपीटेडली उसी फॉर्म में आता है, तो इसको भी आप सेवन ले सकते हैं। जहाँ कम वैल्यू दिख रहा है वहां चाहो तो कम कर सकती, हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में ज्यादा रश नहीं हो, ट्रैफिक ज्यादा नहीं हो रोड पे, तो हो सकता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो। इन सारे डेज में ज्यादा होता है तो फिर हो सकता है कि ज्यादा हो, ऐसा होता है तो उसमें आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर कैलकुलेशन करना है इसका और एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ना है, अगर ऐसा पढ़ना होता है वो, तो तब आप इसको एज इट इज इतना ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करना है तो अप्रोक्सीमेट इसको कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैम अगर सबको सेवन मिले कम वैल्यू वाले।